दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, भाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे, एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। तो लगता है कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है, जो राजनीति मिली है, विरासत मिली सियासत है और क्या है, बाप की विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं, कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तब बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है, वो जानते हैं। जिस तरह से नतीजे आए, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है क्या कि जो सहयोगी दलों की उपेक्षा समाजवादी पार्टी द्वारा की गई उसका फल मिला? समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? तो इनको निकल के जो क्षेत्र में इसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर क्षेत्र में, अपने नेताओं को लेकर के जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने की है। एसी में बैठ के नहीं कोई आपके साथ जुटेगा, जिनको सरकार बनानी है वो क्षेत्र में काम कर रहा है। चुनाव का बिगुल बच जाएगा, नामिनेशन का अंतिम दिन होगा तो पर्चा भरवा के और चुनाव जीतने का सपना देखोगे, ये संभव नहीं है। तो दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, भाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे, एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। तो लगता है कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है, जो राजनीति मिली है, विरासत मिली सियासत है और क्या है, बाप की विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं, कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तब बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है, वो जानते हैं। जिस तरह से नतीजे आए, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है क्या कि जो सहयोगी दलों की उपेक्षा समाजवादी पार्टी द्वारा की गई उसका फल मिला? समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? तो इनको निकल के जो क्षेत्र में इसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर क्षेत्र में, अपने नेताओं को लेकर के जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने की है। एसी में बैठ के नहीं कोई आपके साथ जुटेगा, जिनको सरकार बनानी है वो क्षेत्र में काम कर रहा है। चुनाव का बिगुल बच जाएगा, नामिनेशन का अंतिम दिन होगा तो पर्चा भरवा के और चुनाव जीतने का सपना देखोगे, ये संभव नहीं है। तो